गरीब बच्चियों के लिए दरभंगा सदर में स्थापित एकमात्र राजकीय अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू उच्च विद्यालय दरभंगा के पूर्व प्रभारी प्रधानाध्यापक मोहम्मद मासूर रेजा पर विद्यालय के छात्रावास अधीक्षक डॉक्टर शिवेंद्र कुमार के द्वारा वित्तीय अनियमितता सहित कई संगीन आरोप लगाए हैं। आवेदन के अनुसार डॉक्टर शिवेंद्र कुमार ने बताया कि पूर्व प्रभारी प्रधानाध्यापक मोहम्मद मासूर रेजा द्वारा एवं अन्य ने मिलकर लगभग 25 लाख की अवैध निकासी कर लिया है। संबंधित सूचना दरभंगा जिला अधिकारी सहित संबंधित पदाधिकारी को दिया गया है। वहीं पूर्व प्रधानाध्यापक रेजा पर जांच दल द्वारा जांच किया जा रहा है। वहीं विद्यालय अधीक्षक ने जिला कल्याण पदाधिकारी सहित सचिव पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग पटना सहित अन्य वरीय पदाधिकारी को प्रतिलिपि देकर आवेदन में दर्शाया है कि पूर्व प्रभारी मोहम्मद रेजा द्वारा गैर कानूनी ढंग से विद्यालय अभिलेख को इंटरनेट इंडिया फोटो स्टेट दुकान पर जो उनके किराए के आवास के बगल में है अपने उपयोग हेतु कई प्रतियां को संगठित कर विद्यालय अभिलेख से छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है। विद्यालय में प्रभारी प्रधानाध्यापक रहते हुए हिंदी शिक्षिका स्मिता कुमारी के साथ मिलकर दैनिक हाजिरी के साथ छेड़छाड़ किया गया। हिंदी शिक्षिका स्मिता कुमारी पर भी छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है। छात्रा द्वारा शिकायत करने पर छात्राओं की बातों को पूर्व प्रधानाध्यापक द्वारा अनसुनी कर दी जाती थी। इसी सभी आवेदन को देखते हुए विद्यालय के वर्तमान प्रभारी प्रधानाध्यापक दिलीप कुमार ने बताया कि पूर्व प्रधानाध्यापक के द्वारा कई तरह की कमियां हुई है जो दैनिक हाजिरी देखा गया है कि जिस दिन पूर्व प्रभारी प्रधानाध्यापक व हिंदी शिक्षिका स्मिता कुमारी नहीं भी विद्यालय आती तो उनके दूसरे दिन उपस्थिति बन जाता था। इससे यह मालूम होता है कि पूर्व प्रभारी द्वारा और भी बहुत सारी गड़बड़ियां की गई है जो जांच का विषय है। स्मिता कुमारी वह फरवरी माह में अब्सेंट थी, लगभग 7 दिन अब्सेंट थी, बावजूद उसका अब्सेंटी बना है, वह उपस्थिति दिखाया गया, क्या वजह क्या है सर? वजह सर यही है कि इससे पहले जो है वो मैंने 21 तारीख से पहले 20 तारीख को उनके साथ जो है ये लोग कुछ दुर्व्यवहार किया, मतलब वो एप्लीकेशन दी थी वो अपना ट्रांसफ़र के लिए, उस संबंध में जो है इन लोगों ने उसको बहुत टॉर्चर किया। अंत में वो जो है चली गई वहाँ जिला कल्याण, वहाँ से शायद डीएम के यहाँ भी गई होगी, तो डीएम साहब के मौखिक आदेश पर जिला कल्याण के यहाँ वो प्रतिनियुक्त हो गई थी 21 तारीख को, जिसका सूचना मुझे नहीं था। बाद में जब हम जिला कल्याण पदाधिकारी के यहाँ गए तो वहाँ मालूम हुआ हमको कि वो यहाँ प्रतिनियुक्त है, लेकिन उस संबंध में हमको कोई उस समय लेटर नहीं उपलब्ध कराया गया था। बाद में हमको मिला, बहुत दिनों के बाद मिला था, लेकिन कहीं भूलवश रखा गया था, लेकिन हमको पता था मौखिक रूप से कि वो वहाँ प्रतिनियुक्त है, इसलिए मैंने उसका जो है वो ये भेज दिया था, अब्सेंटी भेज दिया था। तो जब तक शिक्षिका अनुपस्थित थी तो ये आपको नहीं पता था कि वो कहाँ है? फोन से भी नहीं बताया? नहीं, ऐसे मौखिक रूप से हमको मालूम था कि वो वहाँ पर जिला कल्याण में प्रतिनियुक्त है। उसके बाद भी तो मौखिक जब आपको मालूम था तो आप फिर रजिस्टर पर क्यों नहीं अनुपस्थित बताए या जिला कल्याण पर? हम किस डेट से लिखते क्या लिखते हम, इसलिए हम उसमें तब तक कुछ नहीं लिखे थे, यही बात है और कुछ नहीं है। तो लेटर वो नहीं दी आपको कौन मैडम जो अनुपस्थित है? नहीं, तो वो जो है जब 21 तारीख से वो जो वहाँ प्रतिनियुक्त थी तो उसको जिला कल्याण महोदय जो है उनको 26 तारीख को वहाँ से रिलीव करके यहाँ विद्यालय ज्वाइन करने के लिए उनको भेजा गया, जिसमें कि 27 तारीख को यहाँ लड़कियों ने उसको अंदर घुसा करके हमसे मिलने नहीं दिया गया, चिट्ठी भी नहीं देने दिया गया हमको, और वहीं से वो जो है वापस चली गई और लड़कियों ने उस पर आरोप लगाया कि हम उनको मारपीट करके यहाँ से चली गई है। आप तो उनसे बाहर भी मिलते थे, बात करते थे, तो आप तो उनको उनसे तो कभी भी ले सकते थे, कहीं भी ले सकते थे चिट्ठी? जी नहीं, हम उससे कभी मिलते नहीं थे, कभी नहीं मिलते थे उनसे। हाँ, भले कभी बात मोबाइल पर हो जाता था। मोबाइल पर आप जानकारी ले लेते? नहीं, तो वो तो सर जब 27 तारीख को ऐसा हो गया उसके बाद तब हम वहाँ जो है हमको वो लेटर मिला और उसके बाद जो है हम उसमें लाइव वहाँ से लेटर, तो वो लेटर कहीं भूलवश हमसे रखा चला गया, जिसका हमको ये नहीं था कि हमको उसमें लिखना, मैंने नहीं लिख पाए हम। जब क्या कहता उपनिदेशक महोदया आई तो वो हमसे बोली, तब हमको याद आया कि अरे यहाँ तो चिट्ठी दिया गया था हमको 27 के लगभग में 26 को,
तब हम जाकर के कहे कि नहीं इसमें लिख देना चाहिए, तब हमने वहाँ पर उसमें लिख दिया। आप बोल रहे हैं कि 26 को चिट्ठी मिल गया, तो फिर आप यहाँ मैडम आई थी 27 को? नहीं, हमको चिट्ठी नहीं मिला था 26 तक, तो जो बात सत्य है। कब आपको चिट्ठी मिला? तो ये स्पष्ट याद नहीं है हमको कि कई तारीख मिला है वहाँ। तो मैडम का क्रियाकलाप आपको याद है, चिट्ठी कब मिला ये याद नहीं है? नहीं नहीं, वो मैडम जो यहाँ आई थी 27 तारीख को, वो बोली कि हम चिट्ठी लेकर के ही गए थे वहाँ, और मेरी प्रति जो है भी लाई होगी वहाँ, जब यहाँ हमको नहीं दे पाई तो वहाँ वापस कर दी होगी वहाँ जा कर के। तो आपको कहाँ से और कब मिला वो चिट्ठी? हम जिला कल्याण गए तो हमको वहाँ पर उपलब्ध कराया गया। कहाँ? और जिला कल्याण में कब? लगभग वही 28 तारीख को हमको शायद दिया गया होगा, हमको स्पष्ट सर स्मरण में अभी नहीं तो है। रजिस्टर पे क्यों नहीं भरा गया? कहे तो सर कि भूलवश जो है कहीं रखा चला गया था, तो जिसको मुझे स्मरण में नहीं था हमको, लेकिन ये पता था हमको मौके रूप से कि वो जो है वहाँ पर प्रतिनिधि था, जिसके लिए वो आई भी थी ज्वाइन करने के लिए स्कूल, और बाद में आके जो है आप हाजिरी बना लेते थे। जी नहीं सर, ये गलत बात है। हाँ, भले ऐसा होता था कि घर से कभी हमको फ़ोन आता था कि घर आना ज़रूरी है, जैसे पत्नी बीमार थी, पापा बीमार थे, तो उस संबंध में हमको वहाँ आने के लिए कहा जाता था, और हम जाने के लिए भी सोचते थे कि जाएंगे। उस संबंध में जो है हम क्या कहते हैं अप्लीकेशन लिख करके, और सोचते थे कि जिला कल्याण पदाधिकारी से पहले इसको छुट्टी ले लेंगे, उसके बाद हम जाएंगे। तो जब जिला पदाधिकारी, इसी बीच में जो है हमको फिर घर से फ़ोन आता था कि नहीं ज़रूरी नहीं है, हो गया है यहाँ पर जो दिखाना उखाना था डॉक्टर को, वो हो गया है, तब हम वहाँ जाना छोड़ दिया। दूसरे दिन जब हम विद्यालय पहुँचे तो हम सोचे कि अब तो विद्यालय आ ही गए हैं, हमको तो घर गए नहीं है, तो फिर वो एप्लीकेशन जो मेरे पॉकेट में था उसको मोड़ मार करके हम डस्टबिन में फेंक देते थे। मुस्कान सिंगार एवं गिफ्ट कॉर्नर ब्यूटी पार्लर, यहाँ ब्यूटी पार्लर संबंधित सभी कार्य, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, ब्राइडल मेकअप एवं शादी विवाह में दुल्हन सजाना, दुल्हन मेहंदी का कार्य किया जाता है। साथ ही यहाँ से सभी प्रकार के गिफ्ट, खिलौने, टेडी बियर, कॉस्मेटिक आइटम, झुमका, पायल, फैंसी लहठी, चूड़ी, इयररिंग इत्यादि उचित मूल्य पर प्राप्त कर सकते हैं। पूरा पता है गुल्लोबारा नाका नंबर 4 शक्तिधाम मंदिर दखंगा टावर के निकट। संपर्क करें 9386559234।